अरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक क्विज स्केयर पर बना रहे हैं। बहुत जल्दी ही स्केयर पर आपकी एक क्विज होगी। तो स्केयर पे होने वाली क्विज के लिए आपको स्केयर, जिसको हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग और उसके गुणधर्म, किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं और जो वर्ग संख्याएं हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उस क्विज में जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और इस वीडियो में हम उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमें 5 का वर्ग ज्ञात करना है, हमें 5 का वर्ग ज्ञात करना है, क्या 5 का वर्ग, तो इसका अर्थ यह है कि हमें 5 की 5 के साथ गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो 5 का वर्ग होगा। तो 5 की 5 के साथ करेंगे तो 25 हमें मिल जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो 5 का जो वर्ग है वो 25 है, इसको लिखते हैं 5 का वर्ग बराबर है 25। और गणितीय भाषा में हम वर्ग को ऐसे लिखते हैं, जैसे हमें 5 का वर्ग लिखना है तो गणितीय भाषा में हम इसको लिखेंगे 5 वर्ग यानी कि शक्ति 2। तो इसका मतलब है 5 का वर्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की 5 के साथ गुना, जो कि कितना हो जाएगा, 25। ठीक इसी तरह से अगर हमें 6 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 की 6 के साथ गुना कर देंगे, 6 की 6 के साथ गुना 36 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या का उसी संख्या के साथ हम गुना कर देंगे तो वो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। मान लो हमें 7 का वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग हमें निकालना है, तो 7 का वर्ग इसको हम लिखेंगे 7 इसकी शक्ति 2, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 7 गुना में 7, 7 × 7 = 49। तो इसका जो वर्ग है वो 7 का वर्ग आ जाएगा 49। प्यारे बच्चों, अब वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म भी जान लेते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, आपको जो तालिका दी हुई है इसमें हमने संख्या लिखी है, इसमें हमने क्या किया है, संख्या लिखी है और उसका वर्ग लिख दिया है। जैसे संख्या और उसका वर्ग हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 का वर्ग, 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही बनेगा। 2 का वर्ग, 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 बनेगा। 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9 बनेगा। 4 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो 16 बनेगा। 5 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25 बनेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 1 से और 20 तक की संख्याओं के वर्ग हमने लिख दिए। तो 20 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास, 20 की 20 के साथ गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके और 20 तक की संख्याओं का वर्ग हमने ज्ञात कर लिया। अब आप देखो 1 का वर्ग कितना आया, आप ध्यान से देखें, 1 का वर्ग 1 आया और 9 का वर्ग कितना आया, 81 आया। 11 का वर्ग कितना आया, 121 आया। और ठीक इसी तरह से 19 का वर्ग कितना आया, 361 आया। तो आप देखेंगे जब हमने 1 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग और 19 का वर्ग निकाला तो जो इसकी वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें सभी में इकाई का अंक 1 आया, उन सभी में इकाई का अंक 1 आया। तो इस तरह से हम इन नियमों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस तालिका में ये जो संख्याएं हैं, जब हमने 1 का, 2 का, 3 का वर्ग निकाल लिया तो ये जो संख्याएं हैं जो हमने वर्ग लिखे हुए हैं, ये जो वर्ग लिखे हुए हैं, ये वाले भी इधर वाले भी, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण
वर्ग संख्या या संख्याएं, ये हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे 1 से 10 तक के अगर वर्गों की बात करें हम, 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्ग की बात करें, तो यहाँ पे हमने वर्ग लिखे हुए हैं। तो ये जो 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 16 है, 25 ये आई है, तो ये जो संख्याएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं भी कहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। वर्ग करने से जो हमें प्राप्त होता है उनको हम बोलते हैं वर्ग संख्याएं या फिर पूर्ण वर्ग संख्याएं। प्यारे बच्चों, अगर आप, जैसा कि हमने पहले भी बात की, अगर आप देखें कि 1 का वर्ग 1 आया, उसके बाद 11 का वर्ग 121 आया, 9 का वर्ग 81 आया, 19 का वर्ग 361 आया, तो अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो उसमें इकाई के अंक का भी एक विशेष महत्व है, उसमें इकाई के अंक का भी एक विशेष महत्व है। वहाँ से भी हम संख्याओं के, कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। एक और पैटर्न आप देखें, जब हमने संख्याओं का वर्ग किया, जब हमने संख्याओं का वर्ग किया तो आप देखेंगे वर्ग करने पे इकाई का अंक हमें 1 मिला, यहाँ पे 4 भी मिला यहाँ से, 9 भी मिला यहाँ से, फिर उसके बाद 6 भी मिला इकाई का अंक वर्ग संख्या में, 5 भी मिल गया 25 से, 36 से 6 हम पहले ही लिख चुके हैं, 49 से 9 हम पहले ही लिख चुके हैं, 64 से 4 वो भी हम पहले ही लिख चुके हैं, 81 से 1 वो भी हम पहले ही लिख चुके हैं, और 100 में 0 से 0 लिख लिया हमने। तो आप देखेंगे जो वर्ग संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4, या 6, 5 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। यानी कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 2 और 3 देखो कहीं नहीं आया, इसमें यहाँ पे भी नहीं आया, 2, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 और 8 भी कहीं नहीं आया, और 9 हो सकता है। तो किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है उसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है। ये बात एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक इसी भी तरह से कोई भी संख्या है जब उसका हम वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई के स्थान पर इकाई का अंक कभी भी वर्ग संख्या में 2, 3, 7 या 8 ये कभी नहीं होगा। कोई भी वर्ग संख्या होगी उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें जो भी ये वर्ग संख्याएं हैं इसमें कहीं पे भी इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया, एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। आप देखेंगे देखो एक का जो वर्ग है वो 1 आया, 9 का 81 आया, 11 का 121 आया, 19 का 361 आया, 21 का 441 आया। यानी कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 या 9 है, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसमें जो वर्ग संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक 1 होगा। देखो 1 से भी इकाई का अंक 1 मिला, 9 से भी इकाई का अंक 1 मिला, 11 से भी इकाई का अंक 1 मिला, 19 में 9 से भी फिर हमें 1 मिला, 21 से 1 से भी 1 मिला। तो यानी कि अगर इकाई का अंक
किसी संख्या में इकाई का अंक एक या नौ है तो वर्ग संख्या से हमें एक या नौ ही इकाई के अंक एक या नौ से हमें जो वर्ग संख्या होगी उसमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो एक मिलेगा। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से अब देखो चार का वर्ग 16 हुआ, चार का जो वर्ग है वो 16 हो गया, छः का 36 हो गया, 14 का 196 हो गया, 16 का 256 हो गया। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक चार है या छः है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक कितना आ रहा है, छः आ रहा है, सब में छः आ रहा है। तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक चार या छः है तो उसमें वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो छः आएगा। तो यहाँ पे ये एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इकाई का अंक या चार या छः है तो उसमें वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो छः आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई भी संख्या है उसमें अगर इकाई का अंक एक या नौ है तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक एक आ रहा है, चार या छः है तो इकाई का अंक छः आ रहा है, चार से देखो 16 बनेगा, छः से 36 बनेगा तो यही आ रहा है। और अगर इकाई का अंक दो या आठ है, देखो दो दूनी चार और आठ अठे 64, दोनों से चार बन रहा है तो इकाई का अंक अगर दो या आठ है तो वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो चार होगा। ठीक इसी तरह से अगर इकाई का अंक तीन या सात है, तीन या सात है तो उसमें जो वर्ग संख्या में इकाई का अंक होगा वो नौ होगा। देखो तीन तिया नौ, सात सत्ते 49 तो नौ ही आएगा। अच्छा देखो अब हमारे पास एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, छः हो गया, सात, आठ और नौ, जीरो रह गया और पाँच रह गया। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक जीरो है तो उसकी वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक जीरो होगा। देखो 10 से 100 बनेगा, इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो। दूसरी बात, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक पाँच है तो उसकी वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक पाँच ही बनेगा, पाँच पंजे 25, तो पाँच में भी वही है और 25 में भी वही है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हमारे पास यहाँ, इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार इसको फिर से फास्ट, बिल्कुल फास्ट तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने बात की कि किसी संख्या में अगर इकाई का अंक एक है या नौ है, इकाई का अंक एक है या नौ है, किसी संख्या में इकाई का अंक एक है या नौ है तो उसकी वर्ग संख्या में भी, उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक एक ही आएगा। जैसे आप एक से और नौ से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक इसी तरह से अगर किसी संख्या में इकाई का अंक दो है या आठ है तो उसकी वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक चार आएगा, दो या आठ है तो इकाई का अंक चार आएगा। ठीक इसी तरह से अगर किसी संख्या में इकाई का अंक तीन या सात है तो उसकी वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो नौ होगा। इसके बाद एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अगर चार या छः हैं, चार चौके 16, छः चौके 36 तो छः ही आएगा तो उसका इकाई का वर्ग संख्या में इकाई का अंक छः होगा। अगर जीरो है संख्या में इकाई का अंक तो वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक जीरो होगा। और संख्या में अगर इकाई का अंक पाँच है तो उसके जो वर्ग होगा उसमें भी इकाई का अंक, वर्ग संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक पाँच हो गया। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए जो कि जो आपके क्विज के क्वेश्चन है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें तो ये जो संख्याएं होती हैं, जैसे चार का वर्ग 16 हो गया, चार का वर्ग हमारे पास 16 हो गया और पाँच का वर्ग 25 हो गया, तो ये जो 16 और 25 है ये वर्ग संख्याएं हैं। 16 और 25 हैं जो ये वर्ग संख्याएं हैं।
तो इन वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोलते हैं। देखो 16 और 25 के बीच में कौन कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या हुई। 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि 4 का जो वर्ग है, 4 का वर्ग और 5 का जो वर्ग है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, दो लगातार पूर्ण संख्याएं हैं, मान लो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग है, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इस 4 का डबल कर दो, 4 गुना में 2, 8 संख्याएं होंगी। ठीक इसी तरह से अगर आपको निकालना है कि 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें छोटी 5 है तो 5 का डबल कर दो 10, तो 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में 10 संख्याएं होंगी। आप चेक करना तो चेक कर सकते हैं, 5 का जो वर्ग है, 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, इनके बीच में देखो कौन कौन आएगा, 26, 27, 28, 29, 30, 28, 29 रह गया, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो देखो कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो 10 संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो पूर्ण वर्ग संख्या, लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो उनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, दो एन संख्याएं होती हैं। जो छोटी संख्या है उसको आप किससे गुणा कर दोगे, दो से गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी संख्याएं होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं, इसमें है कि देखो अगर हम विषम संख्याएं लें, पहली विषम संख्या क्या होती है, एक, तो ये एक का वर्ग है। और अगर पहली दो विषम संख्याएं लें, एक और तीन कितना होता है, 4, तो ये 2 का वर्ग है। पहली तीन विषम संख्याएं लें, अगर विषम संख्याएं लें, 1, 3 और 5, इनको जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, वो 3 का वर्ग है। पहली 4 विषम संख्याएं अगर हम लें, उनको जोड़ें तो ये 16 बनेगा, 1 और 3, 4 और 5, 9 और 7, 16, ये 4 का वर्ग बनेगा। तो सीधी सी बात है, पहली 5 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 5 का वर्ग बनेगा, पहली 10 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 10 का वर्ग बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाता है कि पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n का वर्ग होता है। पहली 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 5 विषम संख्याओं का योग, ये रही पहली 5 विषम संख्याओं का योग, ये 5 का वर्ग होगा। पहली 6 विषम संख्याओं का योग, ये 6 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे एक और बात, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और पॉइंट आपको नोट रखना है, यहाँ पे कहा गया है कि कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कोई भी हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 9 है, तो ये 4 और 5 के जोड़ से बनी है, 25 है, ये 12 और 13 के जोड़ से बनी है, 49 है, ये 24 और 25 के जोड़ से बनी है, 11 का वर्ग 121 है, ये 60 और 61 को जोड़ने से बनी है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके पास कोई भी जो विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या यानी कि 5 का वर्ग है, कोई भी विषम संख्या है, मान लो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो आप इसको दो लगातार
धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हो, जैसे 12 जमा 13, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास विषम संख्या के वर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि जो स्क्वायर वर्ग से रिलेटेड जो क्विज है उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।